हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक कोड मैंने लिखा है जिसमें डेफ कीवर्ड का यूज किया है और इसमें हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें डेफ कीवर्ड का भी यूज किया है, इफ और एलिफ का यूज किया है, ठीक है। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, अगर इसको मैंने सेव भी कर लिया है। अब हमें जरूरत है सिर्फ रन कराने की, तो अगर इसको हम रन कराते हैं फाइव प्रेस करके, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे रन कराया फाइव प्रेस करके, तो यहाँ पे कह रहा है एंटर रोल नंबर। तो अभी हमको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं कहता हूं रोल नंबर वन। अब रोल नंबर वन जो है अमित का है, तो ये लिख दिया अमित, अमित लिख दिया। अब जिस भी बच्चे का नाम हो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, एंटर करेंगे। अब कह रहा है कि पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कीजिए, तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट में आउट ऑफ 166 रहा, दूसरे सब्जेक्ट में 77 रहा, तीसरे सब्जेक्ट में 88 रहा, चौथे सब्जेक्ट में 69 रहा। इसी तरीके से पांच सब्जेक्ट हमने दिए हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, तो ये पांच हो गया। अब यहां पर पूरा डिटेल आ गया, अमित का रोल नंबर वन है जिसका नाम अमित है। कुल मिला के 389 मार्क्स हुआ है आउट ऑफ 500, ठीक है। 77.8% है, ए ग्रेड में ये पास हुए हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से ये ग्रेड कैलकुलेट करके हमें देगा सॉफ्टवेयर। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं। इसको क्लोज करता हूं, फिर इसी को यहां से दोबारा से रन कर देता हूं। रन कर दिया, इसी तरीके से यहां पर अब एंटर करेंगे और रोल नंबर टू एंटर कर देते हैं, ठीक है। रोल नंबर टू कह देते हैं यहां पर बबीता, तो यहां पर दूसरा नाम एंटर कर दिया हमने और एंटर किया यहां पर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वन की बात है, तो यहाँ 12 कर दिया, थोड़ा कम कम दे देते हैं इसमें, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया। तो अभी देखिए ये चार सब्जेक्ट हो गए, पांचवें सब्जेक्ट में 55 कर देते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर टू बबीता का है, कुल मिला के 76 नंबर है, परसेंटेज देख सकते हैं 15.2% है नंबर, फेल है देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए, जो भी स्कूल के बच्चे हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट दे रखा है इस तरह का बनाने के लिए, तो आप इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए मैंने किन किन चीजों का यूज किया है, ग्रेड को कैलकुलेट किया है, ठीक है, रेंज फंक्शन का भी यूज किया है, लूप का भी यूज किया है, और इफ और एलिफ का यूज किया। देखिए इफ एल्स आपने पढ़ा होगा, दो चीजों में कंडीशन देनी हो तो इफ एल्स करते हैं, जैसे ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है, दोनों में से एक कोई वैल्यू अगर हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम इफ एल्स देते हैं, और अगर ट्रू हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए फिर कंडीशन दीजिए, फिर कंडीशन दीजिए, जब बार बार अलग अलग कंडीशंस आती हैं और लास्ट में अगर कोई कंडीशन टैली नहीं करती है तो फॉल्स हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इफ और एलिफ देते हैं। एलिफ बार बार देंगे, बार बार देंगे, यहां पे देख सकते हैं एलिफ मैंने बार बार दिया है, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं, यहां देखिए एलिफ लिखा मैंने एक बार, फिर यहां एलिफ लिखा है, इफ एक ही बार लिखा है और एलिफ कई बार लिखा है, देख सकते हैं। एक बार फिर से चलिए इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, यहां पर रोल नंबर कोई और एंटर कर देते हैं, लाइक रोल नंबर 12 है, तो रोल नंबर 12 है दुर्गेश का, तो ये लिख दिया दुर्गेश। अब दुर्गेश लिखने के बाद एंटर करते हैं, यहां पर सब्जेक्ट वन का मार्क्स 66 है, 88 सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स है, 90 थर्ड और 99 फोर्थ और 97 फाइव। तो यहां पे देख सकते हैं रोल नंबर 12 दुर्गेश का है, पूरा डिटेल लिख के आ रहा है, 440 मार्क्स आउट ऑफ 500 है, 88% है, ए प्लस ग्रेड में ये पास है। तो कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।